परिवार की ओर से इन सभी नन्हे मुन्हे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। विद्या प्रारंभ। इन नन्हे मुन्हे बच्चों के साथ अभिभावकों के लिए ज्यादा उत्साह का कारण हमारे लिए ये एक यादगार है। हम इस दिन को उत्साह के रूप में मनाते हैं क्योंकि ऐसा एक स्वागत मौका ऐसे जगह में हमारे बच्चों ने कदम रखा है जहाँ से इनकी यात्रा प्रारंभ होती है, इनके स्वागत विकास की यात्रा प्रारंभ भारत में पूरे क्षेत्र में शांति का
You are.
विद्यालय की परिचय, केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित समय सारणी की जानकारी, गतिविधि एवं प्रवेश की जानकारी, शुल्क विवरण की जानकारी, परीक्षा संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय अजीत मेहर सर को। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, इसके बारे में हमारे प्राचार्य भोजन है हम सबको अवगत करा है, पर फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैं आज आप सबके सामने रखना चाहूँगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है स्कूल टाइम। को लेकर बहुत सारे क्वेरीज हुए हैं, बेसिकली मुझे लग रहा है कि मैं सारे पेरेंट्स से जुड़ा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के थ्रू या डिजिटल मीडिया के थ्रू मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे कई बार मैसेज किए हैं, कई कॉल किए हैं, और मैंने कोशिश किया है कि सबकी जो क्वेरीज हैं उसको मैंने एक सही जवाब के साथ मैंने सबको संतुष्ट किया है। पर फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आम बात करते हैं, उसी पॉइंट्स के बारे में हम आज बात करेंगे। टाइम टेबल को लेकर सबसे पहले हमारे यहाँ एक फर्स्ट टाइम है कि स्कूल टाइम जो है 7:30 हो रहा है। जब आपका एडमिशन हो रहा था, जब आप कॉल फिलअप करने आए थे, आपको बोला गया था कि 8:30 से स्कूल खुलेंगे, बट इसको लेकर बहुत सारे पेरेंट्स थोड़े से नाराज भी थे कि सर इतनी जल्दी कैसे हमारे बच्चे आ पाएंगे। पर ये कोई नया चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ 1 महीने पर स्कूल जाते हैं, नंबर 1 रायपुर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसी शहर में हम 7:30 कोई ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं है, मैंने क्या है तो जो स्कूल टाइमिंग है इनका, जो नॉर्मल स्कूल टाइमिंग है हमारे स्कूल का, कल से 7:30 से 1:40, 7:30 से 1:40, बट रिपोर्टिंग टाइम है आपका 7:20। 7:20 को आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि 10 मिनट हमको चाहिए होता है प्रेयर के लिए। बच्चों को हम लाइनअप करते हैं, प्रेयर में ले जाते हैं, तो इसके लिए 7:20 को आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को स्कूल गेट पे ड्रॉप कर सकते हैं आप। पहले कुछ दिन में क्या पेरेंट्स बच्चों को अंदर ला सकते हैं? ओके, सो जो टाइमिंग है वो है 7:20 आपको रिपोर्टिंग टाइम, और अभी 15 जुलाई का आपकी जो टाइमिंग रहेगी क्लासेस रहेंगी वो हाफ डे है। 15 जुलाई तक बच्चे 7:30 को रिलीव हो जाएंगे, 7:30 से 10:30 इनकी करिकुलर ट्रांजेक्शन होगी। दूसरी पॉइंट ये है कि जो बुक्स और स्टेशनरी को लेकर बहुत सारे क्वेरीज थे कि कहाँ मिलेंगे, क्या क्या खरीदना है इसको, बट अभी के लिए आप कोई भी बुक्स आप खरीद लीजिए, कोई इशू नहीं जो हमने सर्कुलेट किया है ग्रुप में, बट अभी आप बच्चों के साथ बुक्स नहीं भेजेंगे, क्योंकि अभी आपके सामने है एक बुकलेट तैयार हो गया आपको। अभी ये हमारे स्कूल रेडनेस प्रोग्राम की बुकलेट है, तो अभी जितने भी एक्टिविटीज होंगे वो तो सारे एक्टिविटीज इससे जुड़े हुए हैं, यानी बच्चों को सिर्फ एक ही बुकलेट लेकर आना है स्कूल, और साथ में जो नॉर्मल स्टेशनरी होते हैं आज एक और क्लास हम बात कर रहे थे कि साथ में वाटर बोटल और एडिटर। बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्लासेस को प्रमोट नहीं करते हैं, जो वाटर बोटल और एडिटिंग बॉक्स है आप कोशिश कीजिए कि बेटर के भेजिए, ये एक हमारे रिक्वेस्ट है हमारी ओर से। वैसे हायर क्लासेस में हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है,
आप भी कोशिश कीजिए कि लाइट वेट ही लीजिए बट मेटलिक होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिफॉर्म की। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि ऐसे मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ में, बट हॉस्ट थे इतने बच्चों को यूनिफॉर्म में हमने कभी नहीं देखा। पहले ही दिन इतने सारे बच्चे, यानी बस एक को छोड़ के सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आए हुए हैं। इससे ये साबित होता है कि आप बहुत ज़्यादा सतर्क हैं, आप बहुत ज़्यादा जागरूक हैं अपने बच्चों को लेकर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यूनिफॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये हमारे KVSC द्वारा इम्प्लीमेंट की गई यूनिफॉर्म है। और हफ्ते में एक दिन यानी सैटरडे को, हमारे यहाँ स्कूल में सैटरडे को पढ़ाई नहीं होती है अकेडमी, उस दिन को हम फंडे के रूप में मनाते हैं, फंडे। और उस दिन आपको हाउस ड्रेस पहनने होते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाउस ड्रेस किस तरह से होती है, तो इस तरह से हाउस ड्रेस होती है। और ये मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है, 4 कलर्स के होते हैं, जैसे कि सेक्शन ए, 1A सेक्शन, ये आते हैं टेगो हाउस में। और इनके जो कलर होते हैं ग्रीन कलर, बिल्कुल इसके कलर। और सेक्शन बी रमन हाउस में आते हैं और इनके कलर होते हैं, नीचे के लोअर सेम रहेंगे और सूट का जो टी शर्ट का कलर है वो ब्लू कलर का रहेगा। और सेक्शन सी ये रहते हैं अशोका हाउस में और इनके जो टी शर्ट है वो रहेंगे रेड कलर। और सेक्शन डी शिवाजी हाउस में जो आते हैं इनके कलर रहेंगे येलो कलर। तो ये बहुत ही क्लियर है आप सबको, यूनिफॉर्म लोअर्स बिल्कुल ऐसे रहेंगे और बस ऊपर जो टी शर्ट्स हैं वो सेक्शन वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और एक और चीज़, जो भी गर्ल्स के हेयर लंबे हैं उनको ऐसे ही टोपी बना के आने हैं विद रिबन, जैसे आपके सामने दिख रहा है। और जिनके नहीं हैं वो हेयर बैंड या जो हेयर बैंड होते हैं उसको आप ज़रूर दीजिए बच्चों को, वो भी रेड कलर। सो ये तो रह गया यूनिफॉर्म की बात। और मैंने सूच डिटेल शेयर कर दिए हैं, जो लेस वाले शूज होते हैं वो हमारे यहाँ नहीं चलते हैं, बच्चे तो पहन के आए हैं ये सारे चाहिए। इसके बाद हम आते हैं एक और पॉइंट के बारे में, रिगार्डिंग फी। हमारे यहाँ की जो स्कूल की फीस है इसको लेकर आप सबको पता होगा। बेसिकली स्टार्टिंग में आप लोगों ने एडमिशन फी 25 रुपीज और 1500 रुपीज DVN, दैट इज विद्यालय विकास निधि, ये आप 3 महीने के लिए दिए हैं, यानी अप्रैल मई और जून के लिए आपने फर्स्ट क्वार्टर के लिए 1500 आप लोगों ने दे दिया। अभी आपको वापस जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए जुलाई के फर्स्ट वीक यानी 15 जुलाई तक आपको पे करने हैं 1500 और ये 1500 आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी जो सेकेंड क्वार्टर है उसके लिए आप पे करेंगे। और इसमें एक बहुत ही एग्जेम्पशंस की बात अभी हम कर रहे थे, जिसमें कि अंडर आरटी हमारे हर सेक्शन में 10 बच्चे हैं, हर सेक्शन में 10 बच्चे यानी कुल मिलाकर 40 बच्चे हैं क्लास वन। उनके लिए कोई भी फीस की प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है, यानी ये बच्चे क्लास 8 तक हमारे यहाँ कोई भी फी ये नहीं करेंगे। ये आप बहुत अच्छे से समझ जाइए, जो आरटी में इसके एडमिशन हुए हैं वो बच्चे क्लास 8 तक हमारे यहाँ कोई भी फी पे नहीं करेंगे। अभी क्लास 1 और 2 में आप लोग 1500 पे कर रहे हैं यानी 500 पर मंथ, ये है विद्यालय विकास निधि। ये फी का जो स्ट्रक्चर है क्लास 3 से थोड़ा चेंज होगा, क्लास 3 से आप 600 पर मंथ पे करेंगे यानी 1800 पर क्वार्टर। और 100 है वो है कंप्यूटर की, यानी 500 विद्यालय विकास निधि प्लस 100 कंप्यूटर का फी है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 1-2 में कंप्यूटर क्लासेस नहीं होंगे, 1 और 2 में भी कंप्यूटर क्लासेस होंगे, पर इसके लिए हम कोई फी यहाँ से नहीं ले रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग इवैल्यूएशन। इसके बारे में हमारे प्राचार्य महोदया ने आपको बहुत सारे बातें बहुत ही क्लियर और बहुत ही सटीक तरीके से बता दिया है। इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं पेरेंट्स में, अक्सर एज ए टीचर हम लोग बहुत जी
यू सो मच मैम। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे प्राचार्य महोदया प्रधान अध्यापिका को स्टेज पर कि वो बच्चों को स्नेह प्रेम प्रस्तुत करें। आई रिक्वेस्ट प्रिंसिपल मैडम एचएम मैडम टू कम ऑन द स्टेज।
इसको दीजिए, इसको सारा सपोर्ट से करता हूँ। हमसे कैसे आते करते बच्चे, अब अपने अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज प्रोग्राम आयोजित किया गया है।
माता पिता जो बैक साइड में खड़े आपसे अनुरोध है उनके सहयोग करें और उनका साथ ग्रहण करें। Thank you very much.